आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो योजना थी ये 1 मई 2016 में लॉन्च की गई थी। ये लॉन्च की गई थी यूपी के बलैया में। तो ये जो स्कीम थी ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो है इसके अंडर लॉन्च की गई है। और ये लॉन्च की गई है ताकि जो बीपीएल हाउसहोल्ड्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे के जो घर हैं, जो परिवार हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब कुकिंग गैस सिलेंडर्स, कुकिंग गैस का जो कनेक्शन है वो जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई थी। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें टारगेट क्या कर रहे थे कि एक टारगेट था कि 8 करोड़ कनेक्शंस जो हैं वो दी जाएंगी बीपीएल हाउसहोल्ड वाली वुमेन को दी जाएंगी मार्च 2020 तक। और उसके बाद 2021-2022 के सत्र में, जो बजट का सत्र था, उसमें एडिशनली 1 करोड़ और कनेक्शंस रिलीज़ करने की योजना बनाई गई। तो ये 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस मार्च 2020 तक प्रोवाइड कराना था। ये जब 2016 में जब ये योजना बनाई गई थी तब ये उद्देश्य था। और उसके बाद 2021-2022 के सेशन में ये तय किया गया कि 1 करोड़ कनेक्शंस और उपलब्ध कराई जानी है ऐसी महिलाओं को जिनके घरों में ऑलरेडी कनेक्शन नहीं है और जो बीपीएल रेखा, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के हैं। ओके, यहाँ पे एम क्या है, उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य पहला तो यही है कि एलपीजी कनेक्शंस वुमेन को प्रोवाइड कराना है ताकि पूरे देश में कुकिंग गैस की जो एक ये जो सुविधा है वो हर किसी के पास पहुंच सके, यूनिवर्सल कवरेज, पूरी तरीके से सब लोगों के पास ये सुविधा पहुंच सके। क्योंकि ज़्यादातर हमने पहले देखा है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं या जो हाई क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उनके घरों में कुकिंग गैसेस की सुविधा रही है। लेकिन जो पुअर होते हैं या जो बीपीएल हाउसहोल्ड्स होते हैं, वहाँ पे जो कुकिंग करने का जो तरीका है वो लकड़ी से या किसी और पदार्थ से आग जलाकर, इस तरीके से। तो ये देखा गया कि उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते थे उस टाइप की कुकिंग की वजह से, जो रेस्पिरेटरी, जो उससे पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को, उन घर के लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई। तो इससे महिला सशक्तिकरण का एक उद्देश्य भी था, वुमेन एम्पावरमेंट, उनके और बाकी घर के लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक उद्देश्य। और साथ ही साथ ये भी, ये योजना उन युवाओं को भी एक एम्प्लॉयमेंट या एक नौकरी का एक रास्ता देगी, जहाँ पे जो सप्लाई है, जो रूरल एरियाज़ में अगर सप्लाई के लिए जो चेन्स बनेंगे, जो आउटलेट्स बनेंगे, वहाँ पे काम करने के लिए युवाओं को रखा जाएगा, तो वहाँ के उन जगहों के युवाओं के लिए भी एक नौकरी का साधन बनेगा ये स्कीम। ओके, सो इसके तहत ये स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो फर्स्ट है कि ये कब लॉन्च हुई, 1 मई 2016, और ये कहाँ लॉन्च की गई थी, ये बलैया यूपी में लॉन्च की गई है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। और ये क्या कर रहे हैं, ये एलपीजी गैस कनेक्शन दे रहे हैं 18 साल की उम्र से अधिक जो है, मतलब 18 साल की उम्र या आयु से अधिक की जो महिलाएं हैं, जो बीपीएल में आती हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं, ऐसी महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराना, ये इस योजना के तहत तय किया गया था। और इसमें टारगेट किया गया कि मार्च 2020 से पहले पहले 8 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएं, और 2021-22 के सेशन में ये तय किया गया कि 1 करोड़ कनेक्शंस और उपलब्ध कराए जाएंगे ऐसे घरों में जहां पे जो एलपीजी गैस कनेक्शंस नहीं हैं। ओके, सो एलपीजी गैस कनेक्शन एक महिला के नाम पे ही लिया जाएगा इस योजना के तहत, और ऐसी महिलाएं जिनके नाम पर पहले से कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एम में हमने देखा कि एम क्या है, सभी के पास एलपीजी गैस कनेक्शंस हो। स्पेशली हम यहाँ पे वुमेन को फोकस कर रहे हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, और साथ ही साथ उनके और उनके घर के अनक जो
और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट नौकरी का एक साधन जो युवाओं को मिले, तो ये इसके एम्स हैं। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको और भी स्कीम्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के ऐप को ज्वाइन करिए और आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाइए। थैंक यू।